नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चुनाव जीता हो। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा है कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। ममता बनर्जी सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का अनुरोध किया था। 7 अप्रैल तक सीबीआई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा और धारदार हथियार से मारा गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को 1 अप्रैल से टोल चुकाना पड़ेगा। दिल्ली से डासना तक टोल नहीं देना होगा, लेकिन दिल्ली से मेरठ तक पूरे मार्ग पर टोल चुकाना होगा। करीब 30,000 वाहन चालकों पर टोल का बोझ पड़ेगा। भारत में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,685 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,16,372 हो गई। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 21,530 रह गई। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल पर ट्वीट करने की वजह से आईएएस अधिकारी नियाज खान को शो कॉज नोटिस जारी किया है। खान ने ट्वीट कर लिखा था कि फिल्म में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, उसी तरह अब प्रोड्यूसर को देश में मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनानी चाहिए। तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी की, जिसमें 4 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। हमला उत्तरी वजीरिस्तान के सीमावर्ती कस्बे हसन में हुआ था। पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली है। बीजेपी केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली एनसीटी बिल पेश किया। विपक्षी नेताओं ने इस पर विरोध जताया। बीएसपी नेता रितेश पांडे ने कहा, आपने चुनाव नहीं कराए और उसे रोकने के लिए बिल लेकर आ गए, ये असंवैधानिक है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी आपत्ति दर्ज की। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। ईंधन की कीमतों में दिल्ली समेत अधिकतर शहरों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने लिया शपथ। अब सारी चर्चा होगी कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों को लेकर। योगी कैबिनेट में 53 दिग्गज हैं, जिनमें 2 डिप्टी सीएम हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव टालने के लिए पीएमओ की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को फोन किया गया था। केजरीवाल ने कहा कि ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री सीधे कॉल कर निर्वाचन आयोग को पत्र लिख चुनाव टालने को कह रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। पीके ने कांग्रेस को इसका ऑफर दिया। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने इस पर सबकी राय ली। 5 राज्यों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 में विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत कार्यक्रमों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान का तारीख 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। एसआईपी के भुगतान के लिए चेक और डीबीए के जरिए भुगतान हो सकेंगे। 31 मार्च के बाद ये पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए की जा सकेगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल 107 पदों पर भर्ती होनी है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल तक बंद हो जाएगी।
परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के पहले दिन 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बता दें कि कोरोना काल में पहली बार यूपी बोर्ड ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। नकल रोकने और परीक्षाओं को सफल तरीके से आयोजित करने के लिए बोर्ड ने कड़े इंतजाम किए। कर्नाटक सरकार ने बोर्ड परीक्षा के दौरान भी छात्रों को हिजाब की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रावधान या अपवाद नहीं होगा। हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के आदेश का सभी को पालन करते हुए परीक्षा देनी होगी। एक्टर साक्षी तंवर एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। जल्द ही वो नेटफ्लिक्स की अगली वेब सीरीज माई में नजर आने वाली है। वहीं अब इस सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी गिरावट। सेंसेक्स 269 अंक गिरकर 57,316 पर पहुंचा। 78 अंक गिरकर 17,144 पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहने के साथ तेज धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आगामी 2 दिन बाद फिर से तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे पारे में वृद्धि की संभावना कम है। IPL 2022 का आगाज 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले से होने वाला है। दोनों ही टीमों ने IPL 2022 मेगा नीलामी से कई नए खिलाड़ियों को अपनी टीम से जोड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की कमान इस साल स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर संभालेंगे। भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में अब भी 5वें स्थान पर है और 8 टीमों के टूर्नामेंट में सिर्फ 4 टीमें ही सेमीफाइनल में जगह बना सकी है। ऐसे में मिताली राज की अगुवाई वाली टीम के लिए अंतिम लीग में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। टीम अंतिम मैच में 27 मार्च को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। साइबर सिटी प्रोग्राम में स्थित देश के नामी मेदांता अस्पताल को आतंकी हमले में बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी अस्पताल के कॉल सेंटर पर दी गई है। इसके बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में एक मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गया। जहाज पर करीब 16 ट्रकों में स्टोन लोड था। इसके साथ ही सभी ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर भी जहाज में सवार थे। हादसे में जहाज के कैप्टन दल के सदस्य और ट्रकों के ड्राइवर खलासी सहित 10 लोगों के डूबने की आशंका है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच प्रतिनिधि स्तरीय बातचीत हुई। इससे पहले यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। लद्दाख गतिरोध के बाद भारत चीन के रिश्तों में आ गए तनाव के बीच इस यात्रा को अहम माना जा रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV 700 कार को ग्लोबल NCAP की 5-स्टार रेटिंग मिली है। इस कार की डिमांड इतनी है कि लोग इसकी डिलीवरी के लिए 6 महीने से लेकर साल भर तक का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इसकी अब तक 1 लाख से ज्यादा यूनिट बुक हो चुकी है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।